ये साल खत्म हो चुका है और अब नए साल का आगाज हो चुका है, तो नए साल में भी कुछ हमारे पास, आपके पास कुछ मिशन होगा, कुछ एक नया जायका होगा और कुछ उम्मीदें होगी। तो इसी उम्मीदों के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं अगले साल का और ख़त्म करने वाले हैं इस साल को। तो भाई साहब, जब भी हमारा अगर कुछ तूफानी होता है तो वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर जायका आता है। तो उसी जायके के तलाश में हम अभी आ चुके हैं भाई साहब, एक पुराने जगह पे। लेकिन जब हमने इस जगह को कवर किया था ना, उस समय सारी चीज़ें बदली हुई थी। ऐसा नहीं कि वो चीज़ें सेम चीज़ आपको आज देखने को मिलेगा, बहुत अलग वीडियो होने वाला है, बने रहिए। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आज जहाँ मैं हूँ ना, यहाँ इस न्यू ईयर के मौके पर आपको एक मटन हांडी के साथ आपको एक चिकन हांडी भी पूरा फ्री मिलने वाला है। तो अगर आप खाना चाहते हैं, इस जायके को ट्राई करना चाहते हैं, तो एक बार आइए। और बात ऐसा नहीं है भाई साहब, अगर फ्री मिलता है तो बहुत बार ऐसा लगता है कि पता नहीं टेस्ट होगा या नहीं होगा, जायका होगा या नहीं होगा, लेकिन सारी चीज़ें हैं। लोकेशन के बारे में बात करेंगे ना भाई साहब, तो लोकेशन मैं अभी हूँ पटना के दिघा में और दिघा आसियाना रोड पर हूँ। और मेरे पीछे में जो है ना, ये सिटी कार्ट मॉल है। सिटी कार्ट मॉल जब आप आएंगे ना, तो मेन रोड पे ही आपको दिखेगा। और यहीं पर जब आप आइएगा ना, तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ये देखिए, राज चंपारण मीट हाउस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं राज चंपारण मीट हाउस। तो इसी जगह पर आज हम कवर करने वाले हैं हमारा बहुत ही स्पेशल जायका, जो कि होगा मटन का। हालांकि हम जब इंट्रो शूट कर रहे हैं ना, इस समय मटन हांडी चढ़ चुका है। मैं आपको एकदम क्लियर दिखा रहा हूँ, देखिए ये मटन हांडी जो है ना, ये चढ़ा हुआ है। इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि अब न्यू ईयर का स्पेशल है भाई साहब, मौसम का भी एक विसरल बज चुका है, तो मौसम भी काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई साहब, ये पहले से आप लोगों के लिए तैयार किया जा चुका है कि भाई निराशा ना हो आपको, देर, वैसे तो हांडी बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, लेकिन काफ़ी देर ना हो इसलिए यहाँ पर व्यवस्था है। लेकिन स्टू जो है भाई साहब, स्टू अभी अंदर चलेगा, चिकन भी अभी तैयार हो रहा होगा, तो चलते हैं अंदर बिना समय को बर्बाद किए हुए। और भाई साहब, कहने वाले तो लोग कुछ कहते रहेंगे और करतब दिखाने वाले जो होंगे ना, वो करतब दिखाएंगे, क्योंकि हम जो है ना भाई साहब, आलोचनाओं से नहीं डरते हैं, हम बस अपना काम करते हैं। और भैया, हमें किसी से कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन बस एक ही इंसान से है, वो है बिहारी काइट्स। तो चलिए चलते हैं अंदर, चौचक अंदाज में वीडियो को पूरा देखिएगा महाराज, नया साल का ढेर सारा प्यार। ये देखिए भाई साहब, मटन की तैयारी का जो आगाज़ है, मटन स्टू का, वो हो चुका है। ये देखिए चुस्ता, तो आज हमारे कितना चुस्ता यहाँ पर तैयार होने वाला है? यहाँ पे 5 से 10 होगा चुस्ता। तो 5-10 चुस्ता रहेगा? अभी 5 डाले हैं। अच्छा, अभी 5 डाले हैं, तो चुस्ता मुझे 2 ही दिख रहा है अभी। अच्छा, 3 चुस्ता। अच्छा अच्छा, सब अंदर में है क्या? वाह, बहुत बड़ा बड़ा चुस्ता, यानी चुस्ता का भी डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है क्या? है कि नहीं भैया? और ये देखिए चिकन जो है ना, ये चिकन जो है ये डाला जा चुका है, चिकन स्टू। और एकदम लेग पीस देखिए भैया, एकदम सख्त सा लेग पीस आपको मैं दिखा दूँ। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह, तो चिकन एकदम तैयार हो गया ना? हाँ हाँ, वैसे भी ये चिकन तो आलू ही होता है, 10-15 मिनट में तैयार ही हो जाता है आपका, क्या बात है। तो अभी अब हमारा जो ओरिजिनल जायका है अभी स्टू, वो अभी तैयार होगा ना? हाँ अब होगा, क्या बात है। तो ये सिंहासन जैसे उतरेगा ना, तो दूसरा सिंहासन तैयार हो जाएगा स्टू का। हमारे साथ अब तैयार रहिए पूरे जायका को देखने के लिए। सो गाइस, यहाँ पर जो प्याज कटिंग है ना, प्रोसेस वो अभी शुरू हो चुका है। और मटन जो है, आज हमारा कितना मटन तैयार होने वाला है? मटन हम 8 किलो तैयार कर रहे हैं। 8 किलो, और उसमें प्याज लगभग कितना जाने वाला है? प्याज इसमें आपको 5 किलो है। अच्छा, 5 किलो प्याज है, क्या बात है। तो आपका पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल पटेल पड़ेगा। अच्छा अनिल जी, कहाँ के रहने वाले हुए आप? जी बेतिया जिला के हैं। अच्छा, तो आज बेतिया के हैं, तो बेतिया वाला टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही टेस्ट आपको देंगे हम, है कि नहीं जी। तो आज तो हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, उनके लिए तो आज बड़ा स्पेशल ऑफर है, है ना? ऑफर यानी एक हांडी के साथ अगर उनको चिकन सीख कबाब भी फ्री। हाँ, और कबाब फ्री, 8 पीस रहेगा, है ना? फ्री है जी। चलिए, और उसके बाद ये जो स्टू है, ये स्टू भी तगड़ा आपका बनने वाला है ना? तगड़ा बनाएंगे, क्या बात है। तो चलिए हमारे साथ आप बने रहिए। अनिल जी, क्या क्या इसमें डाले हैं अभी? इसमें प्याज डाले हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाले हैं बस, और नमक थोड़ा सा डाले। तो प्याज को अलग गलाइएगा? हाँ, प्याज गलान। अच्छा, प्याज अलग गलाइएगा। तो ये कितना, ये लगभग 5 किलो है ना प्याज? प्याज आपका 5 किलो, 5 किलो प्याज है। तो ये आपका 7 से 8 किलो लगभग लगभग मटन वही रहता है। ये देखिए घाटा जा रहा है एकदम अच्छे तरीके से भाई साहब। वाह भाई साहब, वाह, या जोर लगा के ऐसा भाई साहब, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। बहुत लोग बोलते हैं इतना भाई साहब क्यों बोलते हैं? अरे भाई साहब, नया साल है, एंजॉय करिए और मटन के साथ अपने जायके को एक नए अंजाम तक पहुंचाइए। आपको अनुमान लग रहा होगा एकदम फ्रेश सा मटन है, बहुत फ्रेश। तो लगभग ये 7 से 8 किलो के लगभग में होगा, है ना? हाँ हाँ, ये है। और मतलब ये कितना, ये एक लॉट बनता है या दिन भर, मतलब
दो बार बनाते हैं। अच्छा दो बार बनाते हैं, दोपहर भी बनाते हैं। अच्छा जैसे जैसे जरूरत पड़ता है क्या। और हांडी भी वैसे तो 9 हांडी आपका तैयार हुआ है ना। क्या बात है। तो 9 हांडी, हर हांडी कितना किलो का होता है? मतलब ये वो हांडी आपको 1.25 किलो का होता है, हम लोग 1 किलो में बेचते हैं। अच्छा अच्छा 1 किलो में। तो ये देखिए भाई साहब, ये पीसेस देखिए, पीसेस का साइज देखिए। अरे भाई क्या बात है। तो चलिए, हमारा एकदम फ्रेश सा मटर अभी जाने वाला है। तो ये क्या अभी मतलब ये इसमें जाने वाला है क्या? जी इसी में डालेंगे प्याज। अच्छा ये प्याज में डालिएगा। तो ये देखिए गाइस, ये अभी मटन जो है ये अभी डलाने वाला है, ये अभी गया। तो भाई साहब ये देखिए भाई साहब क्या बात है। तो मटन जो है कितना बढ़िया तरीका से अभी अंदर जा रहा है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार मटन। और मटन की जो क्वालिटी है ना भाई साहब, मटन की क्वालिटी आपको हर चीज़ बयान कर देगी, एवरीथिंग बता देगी। बहुत जायकेदार मटन है भाई, बहुत ही जायकेदार मटन है। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये देखिए, ये कितना बढ़िया प्रॉपर तरीके से स्टू जो है ये आपका यहाँ पे तैयार हो रहा है। एक प्रॉपर बेस पर स्टू जो होता है ना, अगर तैयार किया जाता है ना, तो उसका टेस्ट अलग है। ये देखिए कलेजी दिखा दूँ मैं, ये देखिए। तो कलेजी का लोग डिमांड करते हैं या नहीं करते? कलेजी का डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, है ना। ये देखिए, ये देखिए मैं दिखा दूँ, ये देखिए नल्ले का भी भाई साहब। ये देखिए वाह, ये देखिए, ये देखिए। तो अभी जा रहा है हमारा मटन, लगभग 7 किलो से 8 किलो जो है ये मटन हमारा अंदर चला गया है। और ये देखिए भाई साहब, हम लोग का साइज भी बड़ा रहता है मटन का, स्टू का। अच्छा साइज भी बड़ा जी, रहता है। 12 साइज रहता है। क्या बात है। तो एकदम मतलब देखिए भाई, हमारा साइज इतना बड़ा। अच्छा ये कलेजी का साइज है, क्या बात है। अच्छा मैं एक बात बता दूँ अनिल जी, जो लोग बिहार, जो लोग क्या, अच्छा ये सीना हो गया, ये सारा पीसेस जो है एकदम आप देख सकते हैं कि पीस यहाँ पर है आपके सामने में। तो एक बात बताइए अनिल जी, जो लोग आपको पटना से देख रहे हैं और बिहार के कहीं से भी देख रहे हो, स्पेशली बेतिया छोड़कर, तो अगर वो पटना आते हैं या पटना में रहने वाले लोग अगर देख रहे हैं इस न्यू ईयर में, अगर प्लान कर रहे हैं आपके यहाँ आने के लिए खाने के लिए, तो क्या उनको मटन का टेस्ट बेतिया वाला मिलेगा? हाँ वो लोग खाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ सावा ठीक है, स्वाद ठीक है। टेस्ट तो क्या रहता है स्पेशल इसमें? हम लोग का बनाने का जो है ना, मतलब हम लोग का हाथ का सब खूबी है। अच्छा तो बेतिया में क्या खास है, मतलब बेतिया में लोग क्यों इतना नाम है बेतिया का मटन? मतलब जो मसाला वसाला हम लोग हिसाब से डालते हैं। अच्छा जी, हम लोग प्याज पकाते हैं खूब अच्छा। अच्छा उसमें पानी का बहुत कम स्टू में हम लोग यूज करते हैं। अच्छा स्टू में पानी का यूज कम करते हैं, बहुत जगह जगह क्या होता है स्टू का यूज बहुत ज़्यादा, पानी का बहुत यूज किया जाता है ना, तो हम कम करते हैं। ये देखिए भाई साहब, तो ये जो स्टू है बनने में कितना समय लगता है लगभग अनिल जी? इसमें अभी माल डाले हैं, लगभग आपको 1.5 घंटा लग जाएगा क्लियर कर। अच्छा मटन पर भी डिपेंड करता है क्या, कि अगर मटन अगर फ्रेश क्वालिटी का है तो स्टू जल्दी तैयार हो जाएगा, अगर मटन ख़राब मटन है तो देर लगेगा, रिश्तेदार मटन है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये लगेगा, है कि नहीं? ऐसा कुछ होता है क्या सर? बनाने का कारीगर के ऊपर होता है, कारीगरी के ऊपर होता है कि नहीं? प्रॉपर बेस आएगा। तो इसमें अभी आगे का क्या अभी होने वाला है? ये आपका 10 से 15 मिनट के बाद इसमें थोड़ा एक एक बार मतलब मसाला इसमें छोड़ेंगे, पारा पारी इसमें मसाला, जितना प्याज टूटेगा उतने मसाला तो हम डालते जाएं। बिरयानी मसाला क्या अलग से बनाइएगा या इसी में रखिए? बिरयानी के लिए अलग से कर, वो अलग से मसाला बनेगा, तेल वगैरह डाल के छेकना वगैरह। चलिए भाई ये देखिए, अच्छा गलेगा। तो मसाला भी इसमें आप अलग से तैयार करिएगा इसके लिए। ये देखिए भाई साहब, बाप रे, ये तो लॉर बोला जाता है यहाँ पे, लॉर बोला जाता है, हम लोग का तरफ चरबूदा बोला जाता है। अच्छा चरबूदा बोला जाता है, इसी को बोलते हैं, इसी को लोग बोलते हैं चुस्ता चरबूजा है, चुस्ता के साथ चरबूदा है। हाँ चुस्ता तो ये चला गया। ये देखिए, अरे भैया एक बार दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को भाई साहब, क्या बात है, चुस्ता और साथ में चरबूजा एकदम। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए, ये चुस्ता जो है ये अभी अंदर गया, और ये जो चरबूदा है ये मैं पीसेस साइज दिखा दूँ आपको, ये देखिए, और थोड़ा सा यहाँ भी अभी दिखाएंगे। एक बार दोनों चुस्ता को हाथ में ले लीजिएगा, एक बार चुस्ता को एक बार भाई साहब एक बार दिखाएं, दो एक चुस्ता तो अंदर चला गया है, ये चुस्ता देखिए भाई साहब, ये मैं दिखा दूँ, ये दिखा दूँ, वाह भैया वाह। तो आप बोले थे 5 चुस्ता है, तो अभी एक गया है, 2 अभी ये है, 3 हुआ और है, 2 और डाल, अच्छा 2 और है। ये देखिए भाई साहब, तो ये देखिए ये स्टू जो है, तो अभी ये कितने देर तक चलाइएगा अनिल जी? चलाएंगे लगभग जब तक प्याज, अच्छा इसको हम चलाते रहेंगे। अच्छा तब तक चलाते रहिएगा आप, है ना, लगभग मान के चलिए कि 15 मिनट 20 मिनट। ये देखिए भाई साहब 15 से 20 मिनट। सो ये देखिए भाई साहब, यहाँ पर आप जब आइएगा तो काफ़ी बढ़िया जो मटन का स्टू है ना ये आपको सामने यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए प्रॉपर तरीके से, ये सीना का पीस मैं दिखा दूँ एक बार,
ये देखिए सीना का पीसेस, ये देखिए भाई साहब बहुत बढ़िया। तो आपको पीसेस का पहचान बहुत बढ़िया से है। हाँ क्या बात है। तो आपको क्या पसंद है, मटन पसंद है या चिकन पसंद है, क्या पसंद है आपको? हम तो बनाते हैं सब, तो हम तो सब पसंद है। फिर भी आपका कुछ ना कुछ पसंद तो हमेशा एक के साथ हमेशा ज़्यादा होता है ना। मटन ज़्यादा पसंद, मटन ज़्यादा पसंद है। ये होता है, ये अभी लर जो है अंदर चला गया, ये देखिए बहुत बढ़िया। और ये ऊपर में भौरी जो है, ये भौरी है ना अनिल जी ऊपर में? हाँ तो ये देखिए, तो ये क्या बात है, ये तो ये भौरी भी तो ये सारा तेल वगैरह का ही ये पूरा कॉन्साइज रूप होता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से, कितना शानदार तरीका, और काफ़ी फ्रेश मटन है भाई साहब। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, मैं यहाँ पर जब आता हूँ ना, तो वैसे तो मुझे एक चीज़ हमेशा लगता है कि देखिए जायका जो होता है, टेस्ट होता है, वो अपने जगह पर है, लेकिन मटन जो है वो फ्रेश होना चाहिए। और आपने देखा है मटन कितना फ्रेश है। हम जैसे तड़का मारना है। अच्छा, तड़का मारने के लिए जी, तो मतलब तड़का यहाँ लगा के आप उसमें लगाइएगा। तो ये कितना अभी तेल है लगभग इसमें? तेल हम 200 ग्राम डालें। चलिए तो अभी डालिए तेल, तेल अभी जाने वाला है 200 ग्राम। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, ये 200 ग्राम गया तेल, बहुत बढ़िया। ये देखिए, और ये तेल जो है ये एक आगाज है हमारे मटन का। और यहाँ पर जो बेस है ना वो अभी चढ़ा हुआ है, लगभग 40 मिनट में लगातार भूनने का काम होते रहता है। और अभी यहाँ पर आगे जाने वाला है, ये क्या गया? ये मिर्चा हो गया। ये गया मिर्चा, ये क्या अभी जा रहा है? ये जा रहा है तेजपत्ता। तेजपत्ता बहुत बढ़िया, तेज पत्ता। ये तड़का लगेगा, तो तड़का वाला जो स्टाइल है ये क्या, मतलब कहाँ से सीखे आप? आप लोग का यहाँ पर शुरू से इसी तरीके से बनाते आए हैं, बहुत बढ़िया। तो वैसे कि आज जो है ना, देखिए पहले जब हमने बनाया था ना तो ये तड़का वाला स्टाइल नहीं था, लेकिन अब ये थोड़ा सा विशेष तरीके का मटन तैयार हो रहा है आज के डेट में ना। पुराने वाला जो ग्रेवी था ना वो नहीं, आज के डेट में थोड़ा बितिया स्टाइल वाला ग्रेवी तैयार हो रहा है। हाँ, पूरा तड़का मार कर, तड़का मार के। ये देखिए ये गया अभी, इसमें गरम मसाला इलायची उची है, गरम मसाला और इलायची वगैरह है। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए कितना के लिए, ये देखिए भाई, ये देखिए भाई, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए कितना बढ़िया, एकदम बढ़िया सा, एकदम काफ़ी बढ़िया सा तड़का जो है ना वो अभी लगना शुरू हो गया है। ये देखिए भैया कितना बढ़िया है। और तेल कितना, देखिए तेल जो है ना, तेल का मात्रा बस इतना ही रहता है ना? हाँ, तड़का में इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा। क्या बात है भाई साहब। तो मतलब प्याज ये डालेंगे, ये प्याज देखिए, अच्छा उसमें प्याज डालने के बाद इसमें भी प्याज डालते हैं? अरे वाह भैया वाह। ये देखिए भाई साहब, ये अभी तड़का, तड़का के लिए ये अभी जाने वाला है। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए गया, ये लगभग प्याज कितना है? लगभग 500 ग्राम प्याज है। 500 ग्राम प्याज है, 500 ग्राम प्याज है। ये देखिए भाई साहब क्या फ्रेश प्याज जो है, एकदम कितना बढ़िया सा मटन, एक अच्छा मटन, एक अच्छा जायकेदार मटन जो होता है ना वो देखने में ही बहुत स्पेशल होता है। और वो स्पेशलिटी जो है ना यहाँ के मटन में मुझे दिख रही है। और ये अभी क्या जाने वाला है अनिल जी? ये कश्मीरी मिर्चा है। अच्छा, ये कश्मीरी मिर्चा है, कलर उठाएगा, कलर उठाएगा। तो मतलब तड़का अलग से और मटन अलग से क्या? वाह भैया वाह, तड़के लगा कर दिया जाता है मटन जी। बोला जाए ना? हाँ हाँ, अरे भैया गजब, तड़का वाला बेतिया वाला मटन। अरे भाई साहब, तो नया साल में इतना ठंडा के मौका पे आपको गर्मी ले आ जाएगा, है कि नहीं अनिल जी? हाँ, सुबह सुबह रजाई में है तो अगर ये मटन खा लिए तो रजाई छोड़ के एकदम जॉगिंग करने चले जाएंगे। अरे तारा गजा भैया, ये देखिए भाई साहब, या क्या बात है भाई साहब, फ्रेश अभी जाने वाला है। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और फ्लेवर जो है, फ्लेवर में चेंजिंग थोड़ी सी आएगी और साथ में कलर पूरा आपको टेक्सचर बदल जाएगा, है कि नहीं अनिल जी? जी जी। तो अभी कितना देर तक भुनिएगा इसको? तो आपको 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट भुनिएगा। और ये देखिए भाई साहब, ये जो है ना, ये अभी जो बिरयानी मसाले हैं आप जो बोल लीजिए तड़का वाला, ये तड़का अभी इसमें लगाया जाएगा। ये देखिए भाई, ये देखिए भाई साहब क्या बात है, तड़का वाला एकदम जो स्वाद है ना यहाँ पर अभी आपको मिलने वाला है। तो मतलब इतना से हमारा आज मटन एकदम तैयार हो जाएगा। हाँ वाह भाई साहब, ये जादू देखिए, ये जैसे तड़का गया इसका रंग ही बदल गया। अरे वाह भैया वाह, एकदम फ्लेवर ही बदल गया। और तेल बस इतना ही यूज करते हैं, इतना तेल में इतना बढ़िया हो जाता है। हाँ, कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं? ना ना। वाह भाई साहब वाह। तो ये देखिए भाई साहब, ये अनिल जी अभी 40 मिनट तक ये भुना गया है। हाँ। मटन तो मुझे थोड़ा थोड़ा देख के लग रहा है कि ये अब इसका स्थिति बढ़िया हो रहा है, लगभग लगभग 60-70% ये सीख चुका है। हाँ। है ना। और अभी क्या ये होने वाला है? अब इसमें मसाला छोड़ेंगे।
मसाला छोड़िएगा। चलिए तो मसाला अभी निकला है, गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला अभी जाने वाला है। और ये पीसेस देखिए भाई साहब, पीसेस देखिए कितना बढ़िया, कितना बढ़िया एकदम ये खुल गया है। ये कौन कौन सा मसाला, पहले मुझे मसाला दे। आपको हो गया गरम मसाला, ये क्या क्या हो गया? ये आपका गरम मसाला हो गया, हाँ, गुलकी हो गया, ये जीरा पाउडर हो गया। अच्छा, ये सारा मसाला है, इसमें आप छोड़ेंगे इसको। चलिए सबसे पहले गया, अंदाज से डालते हैं। सबसे पहले क्या गया? ये आपको चल गया गरम मसाला, गरम मसाला। ये हो गया आपका जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, ठीक है। आपका गोल की, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए भाई साहब, ये तीनों चला गया। तो एक सेकेंड, ये जो है, ये मसाले जो डाले हैं, ये कितने देर तक अभी इसमें ऐसे पड़े रहेंगे? मतलब 20 से 25 मिनट इसमें होगा। अच्छा, इसके बाद फिर क्या करिएगा? थोड़ा पानी गर्म करके थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। अच्छा, उसको बाद थोड़ा तेल होगा, जो तेल रहता है, ठीक है, वो तेल उसको ऊपर। क्या बात है, तो चलिए हम प्रतीक्षा करते हैं। और ये देखिए भाई साहब, ये अंतिम मसाला है। ये मसाला जो है, ये क्या है? ये अभी जाने वाला है। ये कौन सा मसाला है? अच्छा, ये मीट मसाला है। तो भाई साहब ये देखिए, ये अभी क्या जाने वाला है अनिल जी? इसमें अब जाएगा गरम मसाला, गरम मसाला। तो चलिए ये गरम मसाला देखिए भाई साहब, मैं दिखा दूँ। ये देखिए, बिल्कुल तो एकदम स्वाद अनुसार गरम मसाला। वाह भैया वाह, तो बस इतना ही गरम मसाला से काम हो गया। मतलब मसाला बहुत बैलेंस डालते हैं, है कि नहीं? बहुत सारा मसाला नहीं भरते आप। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो अभी इसमें अब तो कुछ मसाला नहीं जाएगा ना? कुछ नहीं, तड़का वाला जो खुशबू एकदम मुझे अभी मिल रहा है कि नहीं? तो अभी ये मतलब कितना देर हमको लगेगा अभी मटन हमारा प्लेट में आने में? ये आपको 20 मिनट लग जाएगा। 20 मिनट में यानी हमारा प्लेट में आ जाएगा मटन? वाह भैया, तो हमें इन्हें छोड़ देते हैं। सो गाइस, ये देखिए, ये मटन जो है, इसका कलर देखिए कितना बढ़िया है, तड़के वाले मटन का। और अनिल जी, क्या मटन एकदम अब तैयार हो गया ना? हाँ, खुशबू तो एकदम मतलब बाहर तक आ रहा है एकदम। हाँ, बताइए, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितने बढ़िया का कलर है। और चुस्ता देखिए भाई साहब, चुस्ता का साइज़ देखिए। वाह भाई साहब, तो चुस्ता का जो साइज़ है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये देख सकते हैं गाइस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखिए बहुत बढ़िया, ये है तेल, तेल। चुस्ता आपका आज 5 यहाँ पे है ना इसमें? इसमें सारा चुस्ता, बड़ा बड़ा चुस्ता है ना, लगभग हमको लगता है 250 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम का तो होगा ही। ये गया तेल अभी, आप वो भौरी है ना, तो भौरी भी लोग खाते हैं क्या? भौरी का भी लोग डिमांड करते हैं। उस जो मांगते हैं उसको काट के देते हैं। अच्छा, काट के देते हैं। तो गाइज, न्यू ईयर के स्पेशल मौके पर हांडी के साथ जो सीख कबाब है वो आपके सामने है। ये देखिए भाई साहब, तो थोड़ा सा जाड़े में हमने भी सोचा कि भाई थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर चचा जी का हाथ बटाए। और ये देखिए भाई साहब, क्या जायका है भाई। तो आज अगर कोई हमारे साथ, हमारे व्यूवर्स अगर आते हैं यहाँ पर, तो न्यू ईयर का धमाका ऑफर आपको मिलने वाला है, एक पूरे हांडी के साथ, ये पूरा फ्री। और अंदर का जो अरेंजमेंट है ना भाई साहब, अंदर का अरेंजमेंट भी काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त है, अंदर का एम्बियंस काफ़ी बढ़िया है। लेकिन 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 यार, सामने आइए, अंदर के एम्बियंस को देखने के लिए चलेंगे अंदर, तभी देखेंगे। लेकिन भैया ये देखिए भाई साहब, वाह वाह वाह। सो गाइस, यहाँ पर एक हमारे साथ जो कस्टमर हैं यहाँ पर हैं, तो सर कैसा लग रहा है स्वाद आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा, मतलब टेस्ट से आप सेटिस्फाइड हैं? जी जी बिल्कुल। मतलब इसके पहले चंपारण में आपने अलग अलग जगह पे जो चंपारण का टेस्ट किया होगा, लेकिन क्या अलग लग रहा है आपको यहाँ पे? मसाले का है इनका डिफरेंस, मसाला ठीक है, टेस्ट अच्छा है। अच्छा, पीसेस, और पीसेस पूरे तरीके से मतलब सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, तो आप इनके प्लेट को देखकर अनुमान लगा रहे होंगे। और चलिए सर, आप इंजॉय करिए और हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। इस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कस्टमर्स का जो लॉट है यहाँ पर बैठा हुआ है, और देख सकते हैं इनका जो प्लेट है वो शाही दरबार में सजा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टेस्ट कैसा आप लोगों को लग रहा है। अच्छा, कैसा टेस्ट लग रहा है आपको? बढ़िया है। बढ़िया है जी। कहाँ से आए हैं आप? हम कैमूर जिला से हैं। कैमूर जिला से हैं जी। अरे भाई, तो मतलब यहाँ कैसे आना हुआ है? मतलब पहले यहाँ पर कभी ट्राई किया है आपने? नहीं, पहले नहीं, सुने हैं। अच्छा, सुने हैं, इसलिए आ रहे हैं। तो अभी आपको खा कर कैसा लग रहा है, मतलब आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सेटिस्फाइड है? मसाला सही है। मसाला सही है जी। तो आप सभी लोग मतलब वहीं से आए हैं? जी नहीं, अलग अलग जगह से आए हैं। यहाँ पे आप? हम रोहतास जिला से हैं। अच्छा, आप रोहतास जिला से हैं। अरे क्या बात है, मतलब एकदम, मतलब ये तो मतलब संगम हो गया एकदम राज्य का, है बिहार के राज्यों का संगम हो गया। आप हैं क्या? आप हो गए जी रोहतास जिला, रोहतास जिला से। ये हो गए कैमूर जिला। अच्छा, और भी कोई अलग अलग से है क्या? ये वैशाली जिला से। अरे बाप रे, आप वैशाली जिला से हैं। कैसा लग रहा है स्वाद आपको? पहले भी खाए हैं। अच्छा, पहले भी खाए? रेगुलर आते रहते हैं। स्वाद बढ़िया है जी? जी बहुत अच्छा। मटन का पीस एकदम बढ़िया बढ़िया, क्या बात है।
कहते हैं कि पश्चिमी चंपारण में अच्छा मीट मिलता है, और ये मीट खाने के बाद में हमको ये महसूस हो रहा है कि उससे ज़्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया टेस्ट है, और हम लोग हमेशा आकर यही खाएंगे, यही भी खाएंगे। क्या बात है, वाह भाई। शाकाहारी भोजन भी अच्छा मिलता है यहाँ पे, शाकाहारी भोजन भी अच्छा। वो शाकाहारी पनीर खा रहे हैं क्या? जी जी जी। क्या बात है भाई साहब। तो ये देखिए, पनीर का भी व्यवस्था है अलग से, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सभी लोगों के प्लेट को देखकर आप अनुमान लगा रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों को, सभी लोगों को हमारे व्यूअर्स की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो बनारस से हैं। बनारस से आए हैं, तो मतलब पटना में मतलब रहते हैं, जॉब करते हैं। क्या बात है। तो मतलब टेस्ट एकदम बढ़िया, अंडा कढ़ी का एकदम देसी वाला। मेरा रोज का यहाँ पर है। रोज का है, तो मतलब जाड़े के मौसम में अंडा कड़ी खाने के बाद मतलब आएगा गर्मी? अरे तुरंत आ जाता है। चलिए, क्या बात है भाई साहब। और यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए, ये है आपका मटन स्टू, और ये है साथ में आपका कबाब। तो कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका, एक बार बताएंगे? एकदम बढ़िया बढ़िया। हम लोग, क्या नाम हो गया आपका? आकाश। आकाश जी, तो मतलब स्टू कैसा लग रहा है, कोई कमी वगैरह? नहीं, डेली आते हम लोग सब। अच्छा, डेली आते हैं। हाँ। अरे क्या बात है भाई। और ये जो है सीख कबाब, सीख कबाब का एक्सपीरियंस कैसा है, एक बार बताएं हमें? अच्छा, ट्राई करके बताइए कैसा है टेस्ट, स्वाद? एक नंबर। एक नंबर, क्या बात है। तो चलिए, आप अपना पूरा प्लेट इंजॉय करिए, और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये देखिए भाई साहब, यहाँ पर एक कस्टमर और भी हैं, तो इन्होंने अभी अब क्या लिया है देखते हैं। तो इन्होंने लिया है मटन स्टू, मटन, अच्छा मटन हांडी लिया है इन्होंने। तो आंटी, कैसा लग रहा है मटन हांडी का स्वाद? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, मैं तो लोकल ही। अच्छा, लोकली कैसा लग रहा है स्वाद सर? अच्छा है। अच्छा है, लाजवाब है। लाजवाब है। तो मतलब चंपारण मीट हाउस का मतलब ये अच्छा लगा, चंपारण नाम अच्छा लगा। मतलब बहुत जगह चंपारण है, बहुत जगह लोग हैं, यहाँ का टेस्ट अच्छा है, यहाँ का टेस्ट अच्छा है। तो आप आए कहाँ से? हैं तो हम यहीं जस्ट मैका पलने से आए। अच्छा अच्छा, लेकिन सिटी काट आए थे चंपारण मीट हाउस नाम पर। अच्छा, देखे तो आए यहाँ पर एक बार ट्राई करने के लिए। तो आप क्या लिए, आप भी हांडी लिए हैं? हाँ हाँ, हांडी। क्या बात है। तो अभी कैसा लगा, आपने बेतिया का मटन खाया है? हाँ, अरे बेतिया मेरा ससुराल है तो वहाँ। अरे क्या बात है। तो बेतिया का ससुराल मतलब वहाँ पर मटन नाम पर आया है कि अरे चंपारण का टेस्ट है कि? मतलब आपको लगा कि यहाँ पे मेरा ससुराल का झलक है। चलिए भाई, आप इंजॉय करिए, और आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। सो गाइज, फाइनली हमने जो देखा तैयारी, वो तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हुई, और लोगों का जो रिस्पांस है ना, वो रिस्पांस से मुझे पता चला, ये मेरा अभी ओपिनियन नहीं है, ये उन लोगों का ओपिनियन है, कि मतलब जो बेतिया वाला टेस्ट है, लोगों ने बोला कि बेतिया वाला टेस्ट से भी अच्छा मिला है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग राज्यों से भी लोग आए हुए थे। इत्तेफाक से आज न्यू ईयर के समय पे हम लोग मुलाकात भी कर लिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। फूड ब्लॉग से देखिए एक बहाना है, लेकिन इसमें आप लोगों से मुझे मुलाकात करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, तो ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो खैर, अभी आते हैं हम अपने जायके पर। तो सबसे पहले आज का स्पेशल ऑफ़र, आज और चूँकि न्यू ईयर का भी समय चल रहा है, तो न्यू ईयर के समय आप लोग अगर यहाँ आते हैं, तो आपको एक हांडी अगर पूरा पैक करवाते हैं, तो उसके साथ आपको यहाँ पर एक चिकन सीख कबाब पूरा फुल प्लेट आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। वैसे खाने के लिए लोग कहीं से भी कहीं जाते हैं, अगर आपको अच्छा जायका मिलता है, तो ऑब्वियस बात है हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन अगर आपके शहर में है और अगर इस तरीके का जायका है और ऑफ़र है, तो क्यों ना उठाया जाए लाभ। तो खैर, समय को ज़ाया नहीं करते, हमारे पास दोनों हैं। दोनों कहने का मतलब चिकन और साथ में मटन, एक दूसरे का पूरा। ये देखिए लेग पीस, देखिए कितना सख्त सा लेग पीस है, एकदम प्रॉपर स्टू जो होता है ना, वो है। और ये देखिए भाई साहब, चिकन का क्या मतलब, पीसेस जो है ना वो आपको देख रहे हैं, और जो ग्रेवी है वो दिख रहा होगा। दूसरा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप दोनों का कलर कंपेयर करिएगा। बहुत लोगों को लगता है कि पता नहीं ग्रेवी का बेस एक होता है, स्टू एक होता है, मटन अलग डाल दिया जाता है, चिकन अलग डाल दिया जाता है। वैसे वीडियो में तो आपने देखा ही है, लेकिन ये देखिए स्टू ही है, लेकिन स्टू में अंतर है। बहुत बारीकी से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, इसका कलर जो है और यहाँ मटन का कलर है, कितना मतलब शानदार कलर है और अंतर है। तो खैर, हमने रोटी और चावल लिया है, और लूटेंगे अपने टेस्ट का लहरिया आप लोगों के साथ। पहले ट्राई करते हैं चिकन के पीसेस के साथ, इसके ग्रेवी को थोड़ा सा ट्राई करते हैं रोटी के साथ। थोड़ा सा इसके ग्रेवी को हमने साथ में लिया, डिप किया, और इसके साथ इसे ट्राई करते हैं। बेस जो है ग्रेवी का बहुत बढ़िया है, बहुत लाइट है,
लास्ट टाइम हमने एक बार, चूंकि उस समय रिनोवेशन का काम चल रहा था तो इतना सारा डेकोरेशन वगैरह नहीं था और ये अवसर भी नहीं था, उस समय हमने जब टेस्ट किया था तो जायका तो मुझे उस समय भी बहुत अच्छा लगा था। लेकिन भाई साहब अगर अभी आप स्टू आएंगे ना, इस जाड़े के लिए सही समय पर सही स्टू आपको मिलेगा। यहाँ पर चिकन के दीवाने हैं तो चिकन ट्राई करिए, मटन के दीवाने हैं तो मटन ट्राई करिए, लेकिन भाई साहब ट्राई जरूर करिए, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट भाई साहब अल्टीमेट, मज़ा आ गया। चिकन का ग्रेवी जो है ना, मैं पीसेस पे आ ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ग्रेवी इतना शानदार मुझे लग रहा है ना। बहुत ही बढ़िया चिकन का पीस, देखिए भाई साहब एकदम सख्त सा लेग पीस आपको दिखेगा, कितना बढ़िया कितना बड़ा। लेग पीसेस को थोड़ा सा हम यहाँ तोड़ते हैं, ये देखिए भाई साहब ये चिकन नहीं है, चूई हो गया है भाई साहब, ये चूई हो गया एकदम, ये चिकन नहीं चूई है, जैसे आप देख कर लग रहा है, जैसे आप मुंह में डालेंगे ना पूरा चेवेबल होगा, बहुत ही ईजी होगा तोड़ने में। भाई साहब पूरा चुई, चिकन नहीं ये चुई है, जैसे आप मुंह में डालेंगे ना पूरा गल जाएगा, अल्टीमेट है भाई साहब। मैं मटन कैसे ट्राई करूं, चिकन से दिल हटे तब तो। अल्टीमेट भाई साहब, लेकिन मन को मारते हैं थोड़ी देर के लिए, रिव्यू करना है। लाते हैं चिकन स्टू को अपने पास, ग्रेवी जो है भाई साहब कलर देखिए क्या शानदार सा रंगत, ये देखिए ये कलेजी, ये सारे पीसेस जो है ना कितना बढ़िया। और आज जब हम आए थे तो हमें इसका रंग देखकर ही पता चल गया था काफ़ी फ्रेश मटन है, काफ़ी फ्रेश मटन है। मतलब ये देखिए भाई साहब गर्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि चिकन जो है पहले तैयार हो गया था, हमारे आते आने तक ये लगभग तैयार हो रहा था और मटन हमने पूरा प्रोसेस दिखाया, तो ये बहुत ही ज़्यादा अभी गर्म है और पीसेस काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं सॉफ्ट है। ये देखिए मैं दोनों हाथ से तोड़ रहा हूँ गर्म होने के कारण, आप थोड़ा सा जब इसे, मैं रोटी की सहायता से इसे तोड़ता हूँ, लेकिन पहले मैं इसके ग्रेवी को ट्राई करूँगा। ये जी लो हमने डिप किया, बेहतरीन स्टू, चिकन हो चाहे मटन हो कहीं पर भी जब बनता है ना तो एक थोड़ा धीमा रहता है, एक थोड़ा बड़ा अच्छा टेस्ट वाला रहता है, लेकिन भाई साहब शेर पे सवा शेर, यहाँ पर भी जबरदस्त, यहाँ पर भी जबरदस्त, बहुत बढ़िया, एकदम अलग फ्लेवर है भाई साहब, तड़के वाला स्वाद आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया, वाह भाई साहब वाह, बहुत बढ़िया। ये देखिए पीसेस को हम ऐसे निकाल देते हैं, बहुत ही गर्म है इस कारण से मैं, मुझे तोड़ने में दिक्कत हो रही है, मैं रोटी की सहायता से इसे तोड़ना चाहूँगा। बहुत देखिए भाई साहब गर्म है, हालांकि इस जाड़े में इतना गर्म जो है ज़रूर खाएं, क्योंकि यहाँ पर आप अगर गर्म खाते हैं, ये देखिए भाई साहब हल्का खिंचाव मुझे मिल रहा है, लेकिन ये खिंचाव चूँकि मटन अभी तुरंत तैयार हुआ है, टेस्ट में कोई कमी नहीं है। देखिए भाई साहब गर्म बहुत ज़्यादा है, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ से भी धुआं निकल रहा है, बहुत गर्म है भाई साहब, प्रॉपर है भाई साहब प्रॉपर, सारे स्वाद एकदम प्रॉपर है। देखिए देखिए गर्म जो होता है ना, देखिए मटन जो सीजा है ना वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए ये सारे रिश्ते हैं जो एकदम अलग हो जा रहे हैं, तो इससे पता चला कि मटन बहुत ही बारीकी तरीके से सीजा है और जिस आंच पे तैयार किया जाता है मटन वो भी एकदम बैलेंस है, ऐसा नहीं होता है कि बहुत बार जल्दी पकाने के चक्कर में आँच को तेज कर दिया जाता है, तो मटन का जो टेस्ट होता है ना, क्योंकि तेज आंच के कारण उसमें क्या होता है जलने का थोड़ा थोड़ा सा वो हो जाता है, तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन एकदम प्रॉपर जो बैलेंस होता है ना वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, स्टेबल टेस्ट है भाई साहब। फिर से ट्राई करते हैं, बहुत ही बढ़िया भाई साहब बहुत ही बढ़िया। यहाँ देखिए ये पीसेस को देखेंगे, दूसरे पीसेस को मैंने ट्राई किया हाथ में लिया और टूट गया भाई साहब, तो करते हैं हम जल्दी से अपने इस पूरे थाली को फिनिश और नए साल में सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लहरिया लुटिए और
मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो भी एक गोल होगा, जो भी एक मिशन होगा, आप आने वाले सालों में उसे जरूर पाइएगा। और हमेशा प्यार देना मत भूलिए इस बिहारी काइट्स को, क्योंकि सफ़र जो है हमने शुरू किया है और ये सफ़र ख़त्म नहीं होगा, सफ़र आगे बढ़ेगा। और अगर अगर आपका प्यार रहा ना, तो ये जो आपका भाई है ना, बिहार क्या इंडिया के दिलों में अपना राज होगा भैया, राज होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जगह पे। तब तक के लिए प्यार देना मत भूलिएगा हमारे साथ। लेट्स एंजॉय।